अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स। व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वेलेंटिनो। वेलेंटिनो 350cc ड्यूअल सिलेंडर, और एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है। सिर्फ 490 किलोमीटर यूज है, ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, बट प्राइस इसकी है सेकेंड हैंड बाइक वाली। बात करते हैं जी वेलेंटिनो के बारे में। वेलेंटिनो तारो जीपी 1 इटालियन डिजाइंड है, मेड इन चाइना, और चाइनीज जो बाइक आते हैं वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। किसी बाइक का रेप्लिका नहीं है, इसका अपना ही डिज़ाइन है, अपने ही इसके ग्राफिक्स हैं, अपना ही इसका जो है ना फ्रेम है, हर किस्म की चीज़ इनकी अपनी डिज़ाइन की गई है, तो ये किसी किस्म का रेप्लिका नहीं है। और चाइना से जितने भी बाइक आ रहे हैं उसके अंदर अगर नंबर वन बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा। तारो जीपी 1 वेलेंटिनो इज ऑन नंबर वन। बहुत सारे लोग इसको बिनेली के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर बिनेली के साथ इसको कंपेयर किया जाए, नो डाउट बिनेली भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो भी इटालियन डिज़ाइन, मेड इन चाइना है। बट जब हम दोनों की साउंड कंपेयर करते हैं तो आप एक बिनेली का ड्यूअल सिलेंडर बाइक 302R और वेलेंटिनो का 350, दोनों का साउंड टेस्ट करें एग्जॉस्ट लगा के, तो यू विल कम टू नो कि इसकी साउंड ज़्यादा हैवी है। बिनेली की साउंड में थोड़ी जो है लाउडनेस होती है, बट इसकी साउंड में बेस होती है। 350cc ड्यूअल सिलेंडर EFI वाटर कूल के साथ 36 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की ये बाइक सलाहियत रखता है। टॉप स्पीड की अगर बात कर ली जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 175 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड करने की ये बाइक सलाहियत रखता है। तो चलते हैं अपने 360 रिव्यू की जाने, और वहाँ पर आपको इसकी मजीद डिटेल से आगाह करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं साइड लुक्स एंड ग्राफिक्स ऑफ वेलेंटिनो ड्यूअल सिलेंडर। इसकी हम रेल टायर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें 150/70/17 का टायर दिया जाता है। और इसके अंदर अगर हम, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फैट टायर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जी हाँ, इसके अंदर 190/50/17 का टायर इंस्टॉल किया जा सकता है। हमने लास्ट वीक एक बाइक के अंदर ये टायर इंस्टॉल किए हैं, बड़ा इजीली इसके अंदर ये फिट आ जाता है। बैक के ऊपर आपको रेयर डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। अपना स्टॉक बाइक है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट के अंदर है, मैट ब्लैक और रेड का बड़ा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। और तारो जीपी 1 का जो अंदर ये आप डबल फ्रेम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ना सिर्फ इसकी खूबसूरती उसके अलावा इसकी पायदारी में भी इजाफा करता है। मैट ब्लैक एंड रेड का बड़ा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। फ्रंट लाइट्स के बारे में बात करते हैं जी, तो फ्रंट के ऊपर यहाँ पर हमें DRL दी जाती है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें डे लाइट की ऑप्शन दी जाती है। ब्लैक वाइजर इसके ऊपर इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट टायर की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट के ऊपर इसका 110/70/17 का टायर लगाया जाता है। फ्रंट के ऊपर ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ड्यूअल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। नॉर्मल टेलीस्कोपिक यहाँ पर हमें शॉक दे दिए जाते हैं, और वाटर कूल इंजन यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, दो एग्जॉस्ट आपको नजर आ रहे हैं। EFI बेस्ड इंजन यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। हॉर्स पावर की बात कर लीजिए तो 36 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। गियर ट्रांसमिशन की अगर बात कर लीजिए तो 6-speed रिवर्स गियर ट्रांसमिशन यहाँ पर हमें दे दी जाती है। इंडिकेटर की बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर हमें LED बेस्ड इंडिकेटर दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको हाइड्रोलिक यहाँ पर हमें ब्रेक्स दी जाती हैं। कंडीशन आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। अगर इस बाइक को हम नंबर प्लेट उतार दें तो आपको लगेगा ब्रांड न्यू बाइक है। बैक के ऊपर इसके अलावा ब्रेक लाइट दे दी जाती है, LED बेस्ड इंडिकेटर दिए जाते हैं। उसके अलावा रेयर टायर की, अगर जिसका मैंने आपको बताया रेयर टायर 150 है, जो काफ़ी ही खूबसूरत है, और इसके अंदर मजीद इसकी को बेहतर करने के लिए आप 190 का टायर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड से भी आप लुक्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक्स के अंदर ये बाइक है। कंडीशन के अंदर किसी किस्म का कोई स्क्रैच, कोई निशान मौजूद नहीं है। और अब लिए चलते हैं जी, अब आपको इसके मीटर की जाने, तो मीटर के ऊपर यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे दी जाती हैं वो हमें RPM की ऑप्शन दी जाती है, माइलेज की ऑप्शन दी जाती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ 490 किलोमीटर ये बाइक यूज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें फ्यूल गेज की ऑप्शन दी जाती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर
डिपर की ऑप्शन दी जाती है, लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है, जबकि राइट साइड के ऊपर किल स्विच की ऑप्शन और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है। बाइक की चाबी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक की माइलेज 490 किलोमीटर वाकई ही इसकी ओरिजिनल माइलेज है और काफ़ी ही बेहतरीन कंडीशन का ये बाइक है। लिए चलते हैं जी अब आपको इसके साउंड टेस्ट की जानिब और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रांड न्यू जीरो मीटर बाइक की प्राइस इज 7,25,000 रुपीज़, 7,25,000 रुपये प्राइस है ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की। और ये बाइक सिर्फ 490 किलोमीटर यूज है, लाहौर रजिस्टर्ड भी है ये बाइक और ये बहुत अरसे से खड़ा हुआ है। बाइक की कंडीशन आपको बता रही है कि बाइक इज जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, जिस तरीके से मैंने आपको इसकी कीज दिखाई है, बॉडी की कंडीशन बताई है, ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक है। और इसमें आपको जो प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं वो 6,25,000 रुपीज़ है, 6,25,000, जिसके अंदर आपको 1,00,000 रुपये की सेविंग है, प्लस ये बाइक रजिस्टर्ड भी है तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपको सेव होगी। इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी विजिट भी कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।